पंजाब दे विच खास करके एक अजिहा पिंड होवेगा जिस दे विच ना तां कोई बस जांदी है ना ही कोई कह सकते हैं कि ऑटो जांदा है। क्यों? क्योंकि उस पिंड नूं कोई रस्ता ही नहीं जांदा। यह पिंड एक अजिहा पिंड है कि जो तुहानू गूगल मैप ते भी नहीं मिलेगा। इस पिंड दी लोकेशन भी तुहानू गूगल मैप ते किते भी देखण नूं नहीं मिलेगी। इस पिंड दे विच आउणा ते तुहानू एक वड्डी जिही किश्ती इत्थे हैगी जिहनूं आपां बोट कह लैंदे आ, इस किश्ती दे विच बैठ के ही पार किनारे जाणा पएगा क्योंकि यह पिंड जिहड़ा पाकिस्तान सरहद दे नाल लगदा है। इस पिंड दे एक पासे पाकिस्तान दा बॉर्डर लग जांदा है ते बाकी ते इस पिंड दे तीन पासे सतलुज दरिया दे नाल घिरे हुए ने। इस कारण इस पिंड दे विच ना तो कोई बस जाती है ते ना ही कोई होर जेड़ा सुविधा साधन है वह जा सकता है, जिस दे कारण इस पिंड दे जेड़े लोग ने उन्हां नूं खास करके वड्डियां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। इस बोर्ड की जे गल करिए तां इस दा भी कोई वारिस नहीं हैगा, ये भी इत्थे लवारिस पई रहिंदी है। क्यों? क्योंकि इत्थे भी ना तो किसी की कोई पक्की ड्यूटी है ना ही सरकार दे वल्लों इत्थे आ के इस चीज़ नूं गंभीरता दे नाल लिया जा रहा है। जेकर किसी ने परले कंडे तो इस कंडे तक आना है तो जेकर बोट इस कंडे ते रह गई है तो उसनों इत्थे पहला खड़े हो के वेट करनी पएगी कि कदों बोट उधरों इधर आएगी। तो जेकर किसी ने उस दरिया कंडे जाना है लेकिन बोट उधर ही रह गई है तो फिर उन्हों भी उत्थे वेट करनी पएगी। तो तीन चार जाने जो उधरों आ रहे हैं, एक जाना उधरों बोट लैके इधर आ रहा, फिर ही इधरला दूसरे पार जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पैंदा लोगों नूं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पैंदा खास करके आवाजाई दे साधन नूं लैके। तो हुण असीं इस कश्ती दे विच सवार हो चुके हैं, हालात इस दे भी बहुत ज़्यादा माड़े ने। इस कश्ती की गल की जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा पुरानी लगती पई है, जिवें कि 10 साल पुरानी होवे। तो इस दे जे हालातों की गल करिए जगह जगह तो टुटी पई है, कई बार ये पानी भी भर जाता है। पता नहीं पिंड के लोग इस दे नाल किवें गुजारा करते हैं किवें नहीं। आ तुसीं देख सकते हो एक रस्सी बन्नी हुई है, इसनों एक किनारा मन के चलद इस रस्सी के नाल नाल इस बोट न चलाया जाता है, जिसके चलद ये लोग किसी तरीके दूसरे किनारे पहुँचते हैं तो अपना गुजारा करते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि एक बार ये रस्सी जी है ये जरूर साढ़े दर्शकों को दिखा देन ता जो उन्होंने भी ये पता चले कि किवें अज भी पंजाब का एक पिंड अजे है जिथे लोग इदा की दुविधा भरी जिंदगी बतीत करन दे लई काफ़ी मजबूर ने। तो ये उन्हों का कोई कसूर नहीं है, इस दे विच आज़ादी के 75 साल का कोई कसूर नहीं है। इस विच कसूर है साड़िया उन्होंने सरकारां दा जिन्हां दी कदी इधर जाता निगाह गई नहीं या फिर उन्होंने देख के अनदेखियां कर दिता है। जे आपां जिवें कि मैं पहला भी तुहानूं दस्या कि इस कश्ती दे जिहड़े हालात ने बहुत ज़्यादा माड़े ने, पर फिर भी इस दे विच जिहड़ा तुसीं लोड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, तीन तां इहदे विच बाइक्स खड़ियां हुई ने जिन्हों आपां मोटरसाइकिल कहने आ। इस तों इलावा आपां देख सकते हैं कि 10 दे करीब असीं इस दे विच सवार हैगे आ। जे मैं बंदियां दी गल करां तां 10 दे करीब बंदे इस कश्ती दे विच सवार ने, ते इस तों इलावा होर भी थोड़ा बहुत समान जिहड़ा इस दे विच पिया रहिंदा है। सो इन्हां चीज़ां नूं लै के ये लोग हुण उस पार जा रहे ने, असीं भी इन्हां दे नाल उस पार जांदे पए हां।